हेलो स्टूडेंट्स अब हमें आज क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर सिक्स स्टार्ट करना है सिक्स चैप्टर का जो नाम है वो है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इसके पार्ट वन में अभी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का देखिए जब मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल तो ट्राइंगल के बारे में तो आपको लोअर क्लासी से पता है कि ट्राइंगल क्या होता है ट्राइंगल में हमारे पास वर्टेक्स होते हैं साइड्स होती हैं एंगल्स होते हैं कितने कितने होते हैं बट स्टिल मैं आपको ये बताऊंगा अभी ट्राइंगल के बारे में फिर से अभी जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो आपने हो सकता है लोअर क्लासिंग में नहीं पढ़ा हो जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना एंड उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पाइथागोरस थ्योरम को हमें यूज कैसे करना है दैट इज बेस्ड अपॉन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल के टाइप्स क्या है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पहले इक्वीलेटर ट्राइंगल आइसोसलिस ट्राइंगल वो हम सब देखने वाले हैं तो लेट एस स्टार्ट दिस चैप्टर पहले जैसे मैंने आपको बताया हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को कि ये ट्राइंगल होती क्या है ठीक है तो वट इज़ अ ट्राइंगल तो दिस इज अव डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल हम अपने आस पास बाहर जाते हैं हम रोड पर जाते हैं कहीं जाते हैं तो आपको बहुत जगह ट्राइंगुलर शेप नज़र आ जाएंगी जैसे कि दिस इज अ ट्राइंगल ठीक है साइन बोर्ड या स्कूल के सामने आपने देखा होगा सो ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड एंड टू डाइमेंशनल क्लोज स्ट्रक्चर अब ये टू डायमेंशनल तो हमने यहां पर इंट्रोडक्शन के लिए डाला हुआ है लेकिन आपको ये 2D या 3D डी फिगर्स क्या होती है आप थोड़ा सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे ठीक है जो हम सिर्फ ड्रॉ करते हैं आप ऐसे मान लो जो मैं नोटबुक पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको वो मेरी 2D डी शेप्स हैं जैसे ट्राइंगल है सर्कल है ओके ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड एंड टू डायमेंशनल क्लोज स्ट्रक्चर क्लोज फिगर होनी चाहिए है ना साइड्स का जो हमारा तीनों साइड्स हम बनाएंगे जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है कहीं से भी ओपन नहीं है शेप so क्लोज है इट इज अ पोलीगन विथ थ्री कॉर्नर्स वट एंड थ्री एंगल्स ज्वाइंट टूगेदर फॉर्मिंग अ क्लोज स्ट्रक्चर सो दिस इज अ ट्राइंगल ठीक है अभी नॉर्मली आपको वैसे पता है ट्राइंगल क्या होता है लेकिन ये हमारे कुछ और शेप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो ठीक है दिज आर अवर पिरामिड्स ये हमारे ट्राइंगुलर शेप हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोर्ड का ट्राइंगुलर है हेर यू कैन सी दिस इज़ ट्राइंगुलर ये जो आपको नज़र आ रहे है देखें दिस इज ट्राइंगुलर ठीक है इस तरह से आपको ट्राइंगुलर शेप्स आपने देखी हुई हैं आप अपने आसपास काफी ट्राइंगुलर शेप्स देख सकते हैं फिर से देखिए एक बार डेफिनेशन ध्यान से ये हमारा एक ट्राइंगल है ठीक है इसमें हमारे पास यहां पर आपको नजर आ रहा है दीज आर थ्री वर्टिस ओके दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि थ्री कॉर्नर्स है मेरे पास ओके तो लाइन सेगमेंट आपको पता है दो एंड पॉइंट होते हैं उसके अगर आप ट्राइंगल की बात करें तो दिस इज अंपल क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स इट हैज थ्री वर्टिस थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स थ्री ओके लाइक ए बी एंड सी थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए यू कैन सी ए बी बी सी एंड ए सी ओके थ्री साइड्स एंगल्स की अगर हम बात करें तो आई कैन से बी ए सी बी ए सी तो मैं एंगल मार्क कर देता हूं एक बार आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल देन यू आर सिइंग ए बी सी तो ए बी सी इज दिस एंगल एंड देन आई एम सिइंग बी सी ए बी सी ए इज दिस एंगल बी सी ए वट आपको मैंने पहले बताई दिए हैं दीज आर वट ए बी सी तो ट्राइंगल आपको पता है इट इज हैविंग थ्री साइड्स थ्री साइड्स होंगी तो थ्री कॉर्नर्स होंगे इट मीनस थ्री एंगल्स हैं मेरे पास क्योंकि एंगल हमेशा कॉर्नर पे बनता है ठीक है नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो इस चैप्टर में फर्दर भी हमारे सामने आएगा बट आपने पहले देखा भी हुआ है कि हम ट्राइंगल को अगर क्लासीफाई करें मेरे पास दो बेसिस होते हैं एक होता है साइड्स और एक होता है एंगल्स बेस्ड अपॉन साइड्स यू कैन से कि मेरे पास स्केलिन ट्राइंगल है देखिए ट्राइंगल में मेरे पास तीन साइड्स हैं अगर तीनों साइड्स मेरी अनइक्वल होती हैं तो ट्राइंगल ये आपने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है आइस अगर तीन में से मेरी दो साइड्स इक्वल हैं तीसरी साइड मेरी अनइक्वल है दैट इज आइसोसलिस ट्राइंगल इक्विलेटरल अगर मेरे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं ट इज इक्विलिटल ट्राइंगल बहुत लोअर क्लासेज से आपको पता है आप पढ़ते आए हुए हैं ना बेस्ट अपॉन एंगल्स वी हैव एकंगल ट्राइंगल ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल आपको पता है लेस देन नाइन्टी डिग्री ऑप्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन नाइनटी डिग्री ठीक है एंड राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज नाइन्टी डिग्री देखिये अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करूं मैं तो मेरे जो तीनों एंगल हैं वो एक्यूट होंगे है ना आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं सपोज मेरे तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो वो मेरी हो गई एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑब्ट्यूज में आपको पता है था एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री सो आई कैन हैव ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 सोच के देखना है अभी हम डिस्कस भी करेंगे विद रीजन आई कैन हैव ओनली वन एंगल ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री सो दैट ट्राइंगल इज ऑबट्यूज एंगल ट्राइंगल और मेरे पास अगर एक एंगल 90 डिग्री का है ट्राइंगल में सो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारे सामने आएंगे सारे टाइप्स दिस इज जस्ट योर इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन साइड्स एंड बेस्ड अपॉन एंगल्स नाउ नेक्स्ट फिर से एक बार हमने यहां पर ट्राइंगल को फिर से एक बार समझना है क्योंकि ट्राइंगल में आगे हमने मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सको ठीक है तो ट्राइंगल जो मैंने अभी आपको बताया थ्री साइडेड पॉलीगन हम इसको बोल सकते हैं ओके वेरी इजी थ्री साइडेड पॉलीगन, इट हैज थ्री साइड्स जो हमने डिस्कस किया थ्री एंगल्स ईच एंड बाय टू एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स थ्री ओके मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स के ऊपर मेरा वर्टेक्स बनेगा एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये लिखा है कि आपको ट्राइंगल को इस तरह भी देख सकते हो अब अदर देन दिस मेरे पास ट्राइंगल में बेटा मीडियंस भी हो सकते हैं आई कैन हैव एल्टीट्यूड्स प्लूरल है ये ध्यान देना कि मीडियन सिर्फ एक नहीं होता वी कैन हैव थ्री मीडियंस वी कैन हैव थ्री एल्टीट्यूड्स ठीक है अभी हम देखेंगे कि हम मीडियन एल्टीट्यूड को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल यू कैन से एज आई टोल्ड यू हम प्लूरल भी बोल सकते हैं मीडियंस ठीक है तो ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी ओके इसमें जो आपको नजर आ रहा है ए डी दिस इज माई मीडियन अभी हम डेफिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं लेकिन आप एक बार समझिए पहले मीडियन हमने कैसे ड्रॉ करना है ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को अगर मैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर अभी मिड पॉइंट पता है सबको मीन बाय मिड पॉइंट मिड पॉइंट मींस इस पूरी लाइन बी के बीच का पॉइंट सपोज बी मेरा <coughs> 10 सेंटीमीटर है देन बी डी विल बी 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच का सेंटर पॉइंट इंट ऑफ बी सी ठीक है सो द लाइन सेगमेंट ए डी ज्वाइनिंग द क्या लिखा हुआ है जो मैंने भी आपको बताया ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड अ मीडियन मिड पॉइंट ऑफ बी सी दैट इज डी टू द अपोजिट वर्टेक्स तो मीडियन हमें क्या दे रहा है मीडियन कनेक्ट्स वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड तो मीडियन हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आई कैन हैव बी कनेक्टेड विद द मिड पॉइंट ऑफ ए सी आई कैन ऑल्सो कनेक्ट सी विद द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट विल ऑल्सो बी मीडियन वो भी मेरा क्या होगा मीडियन ठीक है तो भी आप यहां पर देखिए हमने फिर से एग्जाम्पल लिया हुआ है टू शो यू मल्टीपल कि एक सेम ट्राइंगल में ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही मीडियन होगा वी कैन हैव मोर मीडियंस नाउ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ओके टू द अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग इट तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल पी एस इज माई मीडियन आई एम राइटिंग दिस दिस इज माई मीडियन एंड मीडियन एज आई नो ये मेरा मिड पॉइंट हो गया क्यू आर का तो वट आई कैन से इज देखिये हमने क्या बोला कि क्यू एस इज इक्वल टू एस आर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर बिकॉज पी एस इज माई मीडियन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा एस इज अडियन फ्रॉम वट एक्स पी टू द अपोजिट साइड क्यू आर तो ट्राइंगल कैन हैट एक्स अभी एक तो हमने ड्रॉ कर दिया अभी आप यहां देखिए बाकी के दो क्यू टी एंड आर यू ठीक है सो क्यू टी इज अ मीडियन फ्रॉम वट एक्स क्यू क्यू टी इज अ मीडियन फ्रॉम वट एक्स क्यू टू द अपोजिट साइड पी आर ठीक है ये हमारा पी आर है क्यू टी इज द मीडियन फोर पी आर ओके क्लियर है सो आई विल से पी टी इज इक्वल टू टी आर पी टी इज इक्वल टू टी आर क्लियर है सिमिलरली आई विल से आर यू इज द मीडियन फोर पी क्यू क्यू के मिड पॉइंट से अपोजिट साइड के वट एक्स को आपने ज्वाइन कर दिया अपोजिट से पी यू इज इक्वल टू और क्यू यू इज इक्वल टू यूपी क्यू यू इज इक्वल टू यूपी ठीक है आई होप मीडियन आपको बिल्कुल क्लियर होगा एक चीज याद रखना जब भी आप मीडियन ड्रॉ करेंगे मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा सिर्फ है ना मीडियन हमने समझ लिया दैट विल ऑलवेज बी इन साइड द ट्राइंगल वो बाहर नहीं आ सकता लेकिन ये जो एल्टीट्यूड हमने यहां पर बनाया हुआ है दैट कुड बी आउटसाइड एज वेल अभी मैं एल्टीट्यूड आपको बताऊंगा देखिए हमने यहां पर वेरियस लाइंस ड्रॉ की हुई हैं पॉइंट ए से हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं लेकिन अगर हम बात करें कि ट्राइंगल एबीसी की हाइट क्या है हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना अगर मैं आपसे ट्रायंगल एबीसी की हाइट पूछता हूं तो दैट विल बी परपेंडिकुलर हाइट ये जो आपको रेड से मार्क नजर आ रही है एल ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लाइन बीसी के साथ तो अगर आपसे पूछे एल और बीसी के बीच में एंगल क्या है यू विल से 90 डिग्री ओके तो बेटा एएल क्या है मेरा Height of this triangle, height of triangle ABC is AL, or I can also say this is my altitude of the triangle. So, height of triangle ABC or altitude, okay, that is AL, height of triangle ABC or altitude is AL. तो बहुत सारी लाइंस आप ले रखी है हमने यहाँ पर ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ऐसे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स से ज्वाइन कर सकते हो बट जो लाइन मेरी स्ट्रेट होगी यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी दैट विल बी माय एल्टीट्यूड अभी मैंने आपको ये बोला था बेटा कि मीडियन हमेशा अंदर होगा बट एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है ठीक है उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे आने वाली स्लाइड्स में द हाइट इज गिवन बाय द ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसी डायग्राम से रिलेटेड है द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए कम स्ट्रेट डाउन टू बी सी देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम ए कम स्ट्रेट स्ट्रेट डाउन टू बी सी दैट इज माई हाइट एंड इट इज परुलर टू बी सी है ना दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल तो एल्टीट्यूड का जो एक एंड पॉइंट है हमारा दैट विल बी एट दर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द opposite साइड थ्रू ईच vertex, an एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन ठीक है तो हमारा जो एल्टीट्यूड होता है vertex से opposite साइड के ऊपर आएगा अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या ये सर मिड पॉइंट होगा तो बेटा उसके लिए हमारे पास आगे स्पेशल केसेस हैं किस केस में ये मिड पॉइंट होगा किस में नहीं होगा बट अदरवाइज जनरली फाइज से तो एल्टीट्यूड जब आप ड्रॉ करते हो तो एल इज नॉट द मिड पॉइंट फॉर बी सी किस केस में ये मिड पॉइंट भी होगा और 90 डिग्री भी होगा वो आपने बाद में समझना है बट अभी आप ये याद रखिए कि अगर मैं कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये मेरा मिड पॉइंट भी होगा तो हम हर एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं तो इट मीन्स अगर आप ट्राइंगल की हाइट निकालना चाहते हो तो आप हर एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो जैसे हमने मीडियन में ड्रॉ किया ठीक है तो इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ओके